नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। रेड अलर्ट घोषित हो चुका है। प्रशासन ने 130 से भी अधिक गांवों को खाली करवा दिया है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा और आसपास के हिस्से में भी लगातार हो रही है तेज बारिश। राजस्थान में सुकून देने वाली बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। चंबल नदी उफान पर आ चुकी है और बड़े पैमाने पर कोटा बैराज से पानी की निकासी की जा रही है। कई क्षेत्रों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, कोटा बैराज के पहले 14 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही थी, लेकिन अभी भारी बारिश और बांध में हो रही तेज आवक को देखते हुए 2 गेट और खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अभी कुल 16 गेट से पानी की निकासी की जा रही है, जिसके बाद चंबल में उफान आ चुका है। चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अब ये कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बना सकती है। कलेक्ट्रेट की तरफ से कई आदेश दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कई स्थानों पर की गई है, जिससे राहत और बचाव कार्य जल्दी से किए जाए। आप हमें अपना जिला और गांव कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हां दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।